Welcome back to this video, and today we will cover the lesson number 5 from standard 7. Lesson number 5 is a lines and angles. अब देखो lines and angles हम last year मतलब छोटे standard में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी हमें क्या करना है, इसे study करना है. तो let's see, अब हम इस chapter में क्या देखने वाले हैं, lines. Lines क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं, ना लाइंस एंड एंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इसके जो डिपेंडिंग एक्सरसाइज है ना, इसके ऊपर जो भी डिपेंडिंग एक्सरसाइज है वो हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं. तो लेट्स सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है लाइन सेगमेंट. अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट. ए पार्ट ऑफ अ लाइन A part of a line with two ends point is called a line segment and it's denoted by AB. अब देखो जो ये क्या होता है, ये part है किस चीज़ का, line segment क्या है, line का एक part है और इसके जो दो end points होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, line segment. क्या कहते हैं, line segment. अब देखो यहाँ पर एक figure draw किया मैंने, A और B. तो देखो A क्या है, ये first ending point है और ये B क्या है, last ending point, मतलब first ending point and last ending point. दोनों क्या है, ये दोनों A और B क्या है, दोनों ending point है ना, A की line में ending point है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, line segment. तो line segment को denote कैसे करते हैं, AB के ऊपर में bar. AB के ऊपर में हम कैसे क्या write करते हैं, bar. तो ये हो जाता है line segment. Then next point है ray. अब व्हाट इज अ रे, आप सिक्स स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो कि रे क्या होता है और अभी भी हमें क्या करना है, इस वीडियो में रे के बारे में स्टडी करना है. तो रे क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन. अब रे भी क्या है, ये लाइन का एक पार्ट है. इट इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड इट्स अदर एंड कैन बी एक्सटेंड फर्दर. अब देखो लाइन सेगमेंट में क्या था कि दोनों पॉइंट एंडिंग पॉइंट थे, है ना, ए और बी दोनों एंडिंग पॉइंट थे, लेकिन रे में क्या है, एक पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा मतलब ए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और बी एंडिंग पॉइंट, लेकिन जो बी एंडिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड, मतलब वो आगे आगे बढ़ते रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड क्या हो जाता है, वो एक्सटेंड. तो फर्स्ट एंडिंग पॉइंट से वो स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंडिंग पॉइंट तक वो क्या, एंडिंग पॉइंट तक रहता है, क्या एंड पॉइंट है क्या वहाँ पर, नहीं, वो क्या होता है, एक्सटेंड होते रहता है, मतलब बड़ा 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 होते रहता है. तो वो हो जाती है रे, क्या हो जाती है वो, रे. फर्स्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और जो लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट होता है उसमें एंडिंग पॉइंट होता है क्या, प्रेजेंट, नहीं, वो आगे 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 रे बढ़ते रहते, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं. क्या कहते हैं, रे कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ए बी और ऊपर में एरो. देखो यहाँ पर मैंने राइट किया, यहाँ पर फिगर देखो ए और बी. अब ए क्या है, एक पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और बी एंडिंग पॉइंट है. एंडिंग पॉइंट बी है लेकिन वो क्या हो रहा है, वो जो लाइन है वो आगे आगे बढ़ते रह रही है ना, मतलब वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है. क्या हो रही है, वो एक्सटेंड हो रही है. तो ए बी क्या हो गया, ए बी ए हो गई रे. क्या हो गई, ए बी रे. ए बी रे को हम डिनोट करते हैं ए बी और ऊपर के ऊपर में रे का सिंबल. देन नेक्स्ट पॉइंट है लाइन. अब देखो लाइन क्या होता है, हमने अभी देखे लाइन सेगमेंट और रे के बारे में. लाइन सेगमेंट मतलब दो एंडिंग पॉइंट होना और रे मतलब दो पॉइंट और एक पॉइंट क्या होता है, एक्सटेंड होते रहता है, उसे हम रे कहते हैं. अब हम देखेंगे लाइन. अब लाइन क्या होता है, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स एंड इट्स डिनोटेड बाय ए बी. अब ये लाइन क्या है, दोनों साइड से एक्सटेंड होती रहती है. दोनों साइड से एक्सटेंड मतलब ये समझो ये एक मार्कर है और ये मार्कर क्या हो रही है, ए ऐसे एक्सटेंड हो रही है, इधर बढ़ते जा रही है और इधर बढ़ते जा रही है. तो वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी. क्या हो जाएगी, लाइन. मतलब उसमें एंडिंग पॉइंट होते हैं क्या, नहीं. एंडिंग पॉइंट होते हैं क्या, नहीं. वो क्या रहती है, बढ़ते बढ़ते दोनों साइड से एक्सटेंड होते रहती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं. और उसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, लेकिन वो लाइन रुकी क्या, नहीं. वो क्या करी, ए के आगे चली गई और इधर से बी के आगे चली गई, मतलब वो एक्सटेंड हो गई. तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं, लाइन. और उसे डिनोट करते हैं ए बी, उसके ऊपर में ये सिंबल, ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट. अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, देखो थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी अ कोलिनियर. और दो से ज्यादा पॉइंट्स क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं. कोलिनियर कहते हैं, है ना, मतलब दो पॉइंट हो या
ज्यादा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। इफ ए सिंगल स्ट्रेट लाइन पासेस फ्रॉम अ देम, और वो क्या होने चाहिए, एक ही सिंगल लाइन से, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन से क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। जैसे कि ये मार्कर है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ये मार्कर है और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ सेकंड पॉइंट है, यहाँ थर्ड पॉइंट है, यहाँ फोर्थ पॉइंट है, है ना। यहाँ पर क्या हो गए, चार पॉइंट हो गए, और ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है ये, एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स ले ली मैंने, चार पॉइंट्स ले ली। स्ट्रेट लाइन है, वो इधर उधर मूव हो रही क्या, नहीं, वो क्या हो रही है, स्ट्रेट जा रही है, इसीलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, एक लाइन है और उसके ऊपर पर मैंने क्या किया है, कोलिनियर पॉइंट्स राइट किए हुए, ए बी सी। तो इस लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हो गए, ये कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स का वन से लेके टू थ्री फोर, मतलब फोर से भी ज्यादा पॉइंट्स क्या होते हैं, रह सकते हैं, इसीलिए हम उसे कौन से पॉइंट्स कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। देन नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर तो हमें समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर में क्या पॉइंट्स प्रेजेंट होना, वन से ज्यादा, है ना, वन से ज्यादा या फिर टू से ज्यादा पॉइंट्स का प्रेजेंट होना, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है, थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ दे आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब देखो वहां पर भी हमने क्या बताया था कि वन से लेके वन से मोर, है ना, एक से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो स्ट्रेट है। यहाँ पर भी क्या है, एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं लाइन में, लेकिन वो एक ही लाइन में होते हैं क्या, नहीं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं क्या, नहीं, वो अदर, मतलब एक जो लाइन है वो स्ट्रेट रहेगी क्या, नहीं, वो कभी इधर कर्व कर लेगी या फिर इधर कर्व कर लेगी, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स देते क्या उसके, नहीं, कभी राइट साइड में, राइट हैंड साइड में लाइन की चली जाएंगे या फिर कभी लेफ्ट हैंड साइड में लाइन की चली जाएंगे, तो वो हो जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हो जाते हैं, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया मैंने, ए बी और ए सी। देखो ए और बी तो है एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन सी है क्या स्ट्रेट लाइन में, नहीं, वो क्या है, हल्का सा नीचे की ओर, डाउन की ओर में है ना, लाइन के डाउन की ओर में है, इसीलिए हम इन्हें कौन से पॉइंट्स कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। विच पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देन उसके बाद में नेक्स्ट है, हियर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हो गए, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आई थिंक आप सभी को कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स होना, और नॉन कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स रहना, बट कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, डाउन में हो जाते हैं और कुछ पॉइंट्स उसके साइड में इधर उधर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है और टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है एंगल। अब देखो एंगल, एंगल क्या होते हैं, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट्स सेम टू एंड पॉइंट, मतलब क्या होते हैं, टू रेज मिलाकर ओरिजिनेट करता है कितने पॉइंट्स को, सेम टू एंड पॉइंट्स को, मतलब वहां पर क्या होते हैं, सेम टू एंड पॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट, सेम टू एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, और वो दोनों क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं किसको, एंगल को, मतलब वहां पर क्या होती है, सेम टू एंड पॉइंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एक एंगल को फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल, और उसी को हम क्या कहते हैं, वो जो दो लाइंस होती है, वो जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट बनाते हैं दोनों, है ना, सेम लाइन होती है और दोनों का एक ही एंड पॉइंट होता है, तो वो क्या करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं, तो जो दो लाइंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। एंड द पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, और उसका जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। देखो यहाँ पर एक मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, अब ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, है ना, लाइन, सॉरी रे, क्या हो गई, रे, ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई, दोनों के एंड पॉइंट, देखो ये एक एंड पॉइंट हो गया और ये एक एंड पॉइंट हो गया, है ना, तो ये क्या हो गए, उसके आर्म्स हो गए। क्या हो गए, उसके आर्म्स हो गए। और ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो इसी को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, एंगल। तो आज आप सभी को समझ में आ गया होगा, रे क्या होती है, आर्म्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, दो रेज को मिलाकर दो उसके जो सेम पॉइंट्स होते हैं, सेम टू एंडिंग पॉइंट्स, और वो क्या करते हैं, एंगल को फॉर्म,
फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एंगल, क्या कहते हैं एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बीइंग द सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। मतलब दो मेजर्स एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, कितना 90 डिग्री। अब आप सभी को पता है कि 90 डिग्री का एंगल कितना बड़ा होता है ना, तो weighing the sum of two measures of two angles is 90 degree। मतलब दो angles का sum कितना होना चाहिए, 90 degree होना चाहिए। Then the angles are called as complementary angle। तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, complementary angles कह सकते हैं। अगर 90 degree के above जैसे like 100 है या फिर 101, 120, तो ये complementary angles हो जाएगी क्या, नहीं 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो angles का sum कितना होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए हमें 90 degree। तो वो क्या हो जाएगा, वो कौन से angles हो जाएंगे, complementary angles। Next point है हमारा supplementary angle। अब देखो supplementary complementary आप सभी को समझ में आ गया कि 90 degree जिसका sum होता है, two angles का sum कितना होना चाहिए 90 degree, तो वो हो जाते हैं complementary and supplementary angles है। उसकी डेफिनेशन है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। मतलब दो मेजर, मतलब दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था और सप्लीमेंट्री में क्या है, दो मेजर्स एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एंगल्स मतलब क्या होते हैं कि दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको ये क्या करना है, ये जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको अपने नोटबुक में राइट करना है, तो आप नोटबुक में राइट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको करना क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्स एंगल है और उनको आपको बताना है, उनके क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके पहले मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होते हैं कि दो एंगल का सम, है ना, टू एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट एंगल है 20 डिग्री। अब देखो 20 डिग्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के, तो हम क्या करेंगे कि 20 को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल, क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 70 डिग्री, कितना हो गया, 70 डिग्री। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्स एंगल, है ना। तो सप्लीमेंट्स एंगल में आपको क्या करना है, 180 माइनस जितना भी एंगल दिया हुआ है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो क्वेश्चन आप खुद को घर पे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब आपको बताना है कि यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम में दो एंगल्स दिए हुए हैं, और वो पेयर कॉम्प्लीमेंट एंगल है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल है, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अब देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में है 65 डिग्री एंड 150 डिग्री। कितना दिए हुआ, 65 डिग्री और
115 डिग्री। तो हमें क्या कर उनको बताना कि वे कौन से सप्लीमेंट्स की पेयर है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लेट हम सबसे पहले फर्स्ट एंगल लेंगे, तो एंगल एक्स ले लेंगे 65 डिग्री एंड एंगल वाई ले लेंगे 150 डिग्री। कितना ले लेंगे 115 डिग्री। देयरफॉर द एल प्लस एक्स एंगल एल, मतलब हमने दो एंगल लिए मतलब दो एंगल का सम 180 अगर आता है तो वो हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो अब यहाँ पे 65 डिग्री है और यहाँ पर 115 है ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 115 राइट किया हुआ है 90 डिग्री से, ये क्या है बड़ा, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो सकते क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मतलब एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उन दोनों का सम। तो देयरफॉर द एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो मुझे कितना मिलता है 180 डिग्री। कितना मिलता है मुझे 180 डिग्री। हेंस द एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये कौन से एंगल है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना, इन दोनों के एंगल का सम कितना मिला मुझे 180 डिग्री। कितना मिला 180 डिग्री। तो इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, खुद को घर पे सॉल्व करने हैं। आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्स एंगल है या फिर सप्लीमेंट्स एंगल है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बताना है, हमें क्या करना है, फाइंड एंगल को फाइंड करना है और वो क्या कॉम्प्लीमेंट्स है कि नहीं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब आप सभी को पता है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एंगल को डिनोट कर देंगे x से, है ना, क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन निकालना पड़ेगा उस सेंटेंस में से, हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गिवन क्या हो जाएगा, लेंगे एंगल भी x डिग्री, मतलब वहाँ पर एंगल का मेजर दिया हुआ है क्या? नहीं। इसीलिए हम उसे क्या राइट करेंगे, x डिग्री। देयरफॉर द इट्स कॉम्प्लीमेंट्स बी 90 डिग्री माइनस x डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है वहाँ पर, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, x डिग्री, सिंस द एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए वो दोनों, उन दोनों का सम क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर है। किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट के बराबर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइनस हमने जो एंगल लिए थे उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, बोलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट को भी हम क्या ले लेंगे, एक्स से डिनोट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, है ना। ये किसका सम हो गया, कॉम्प्लीमेंट का, और ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। ऑन ट्रांसपोजिंग एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मतलब हम क्या कर देंगे, एक्स को क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड से लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएंगे, दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब ये एक्स अगर इधर आ रहा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपको इसके पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हो, है ना, कि अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिजिट अगर लेके जा रहे हो और माइनस उसके साथ माइनस का सिंबल है तो इधर आकर वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, इधर अगर लेकर जा रही तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक्स प्लस एक्स को मैं राइट कर सकती हूँ टॉइस ऑफ एक्स, है ना, टॉइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, मुझे क्या करनी है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स के साथ में क्या है, 2 है। तो सबसे पहले उस 2 को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। अब देखो राइट हैंड साइड को अगर 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा मुझे। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट,
इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाते हैं कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, और 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 45, कितना होता है 45, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 45 डिग्री, कितना मिल गया मुझे 45 डिग्री, मींस द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री, क्या हो गया इसका एंगल मुझे क्या मिल गया 45 डिग्री, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्या करने हैं आपको खुद को घर पे सॉल्व करने हैं, और 5.2 एक्सरसाइज वो भी बहुत इजी है, वो भी आपको क्या करनी है घर पे खुद को सॉल्व करनी है। आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन भी समझ में आया होगा, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, स्टे होम स्टे हैप्पी।